नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज मैं लेके आई हूँ रेड ड्रैगन फ्रूट। तो ये ड्रैगन फ्रूट तो वैसे अभी पूरे इंडिया में बहुत जगह पे नहीं मिलता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि गुजरात में कच्छ जिले में यहाँ पे इसका अभी जो खेती होती है वो होना चालू हो गया है और ढेर सारी अहमदाबाद में भी मिल रही है और बहुत कम दाम में भी। और गुजरात गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इसका नाम कमलम रखेंगे। वैसे तो इसको ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं, लेकिन हमने इसको जो है वो गुजराती नाम दे दिया, मतलब कि इंडियन नाम दे दिया कमलम। कमलम मतलब कि कमल के जैसा शेप है। आप देखिए इसका जो शेप है वो कमल के जैसा है। तो इसको जो है वो जैसा है वैसा का वैसा हम काट के भी खा सकते हैं एज ए फ्रूट। लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड ऐसी थी कि आप इसका जूस कैसे बनाए वो बताइए, क्योंकि कभी कभी सीजन में या फिर कभी कभी मार्केट में जाते हैं तो ऐसा होता है कि ग्रीन जूस नहीं, ग्रीन पत्तियां नहीं मिलती है, तो उसके ऑप्शन में क्या लाए। और हमेशा हमारा जो नेचर होता है वो कलरफुल हमें चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हर रोज ग्रीन जूस पीते हैं, कभी कभी रेड जूस भी पीना जरूरी होता है। लौकी का जूस पीजिए, कभी पेठे का जूस पीजिए। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप ग्रीन जूस ही पियो। हम ये बता रहे हैं कि ग्रीन जूस सबसे बेस्ट है, लेकिन आप पूरे सप्ताह में पी रहे हो तो बीच में एक दिन जो है वो स्किप कर दीजिए और उसकी जगह पे ऐसा कोई जूस डिफरेंट कर दीजिए। तो आज ये जूस की रेसिपी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि इसके साथ मिक्स एंड मैच आप अपनी अलग अपनी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने थोड़े से पत्ते फुदीने के लिए हैं और थोड़े से लीव्स जो है वो मैंने तुलसी के लिए है, क्योंकि ये दोनों फ्लेवर मुझे पसंद है। अगर आपके पास ओनली तुलसी है तो डाल सकते हो, या फिर ओनली फुदीना है तो डाल सकते हो, या तो फिर थोड़ी धनिया की पत्तियां डाल दोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ग्रीन पार्ट आएगा तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। और टेस्ट को वैसे तो भगवान ने सब कुछ डाला है, लेकिन फिर भी मैं ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक जो है वो मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ और थोड़ा सा टेस्ट के लिए लेमन डालने वाली हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के हमें मिक्स करना है। तो ऐसे करके ये जूस पीना है। ये जूस पीने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप सुबह में 10 बजे पियो, 12 बजे पियो, शाम को 6 बजे पियो, 4 बजे पियो, शाम को 8 बजे पियो, कभी भी पी सकते हो, आप फ्री होने चाहिए। और ये इंस्टेंट बन जाता है, सिर्फ 2 मिनट में बन जाता है। आपके घर गेस्ट आए हो तो भी 1 मिनट में रेडी हो जाएगा, लेकिन आपके पास ड्रैगन फ्रूट होना जरूरी है। तो अगर आप मार्केट में जाते हो और रेड वाला, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल रेड है। देखिए ये पूरा रेड कलर का है, हमें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इतना क्रंची, इतना क्रिस्पी, इतना टेस्टी होता है ये जूस। इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है कि नहीं खट्टा है, नहीं मीठा है, नहीं तीखा है, ऐसा कोई फ्लेवर नहीं है, पूरा प्लेन फ्लेवर है। लेकिन इसके गुणधर्म की बात करूं, इसके जो अंदर से उसके तत्व मिलते हैं, सत्व तत्व न्यूट्रिशन मिलते हैं, भगवान ने जितने भी चीज बनाई है वो सारी की सारी न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसमें बहुत सारे विटामिन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, सब कुछ मिल जाता है। इससे क्या क्या फायदा होता है वो भी आपको क्वेश्चन होगा। तो ये नेचुरल चीज है, ये अपक्व चीज है, ये प्राकृतिक चीज है, ये सन प्रकाश की मदद से, सूर्य प्रकाश की मदद से ईश्वर ने बनाया है। तो डेफिनेटली इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है। बूढ़े, छोटे, बुजुर्ग या बीमार या स्वस्थ कोई भी पी सकता है। और इसके अंदर जो है वो गुणधर्म की बात करें तो इसे एक प्रॉब्लम नहीं, अनेक प्रॉब्लम क्योर होते हैं। मैं ज्यादा बताना की जरूरत नहीं है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो सारे के सारे ऑर्गन को ठीक करता है। तो स्पेशली ऐसा नहीं है कि किडनी को ठीक करेगा, स्पेशल ऐसा नहीं है लीवर को ठीक करेगा, स्पेशल ऐसा नहीं है कि हेयर को ठीक करेगा, स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है
कि हमारे हार्ट को ठीक करेगा, लेकिन कुदरत की बनाई जो भी चीज होती है वो सारी हेल्दी होती है और इससे एक रोग नहीं अनेक रोग दूर होते हैं। तो आपको लगेगा कि कौन कौन से रोग में पी सकते हैं, कौन कौन से रोग में नहीं पी सकते, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। रोग हो तो भी पियो, ना हो तो भी पियो, बीपी हो तो भी, डायबिटीज हो तो भी, अस्थमा हो तो भी, या फिर कैंसर हो तो भी, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपके पास सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल जितनी प्रोडक्ट मिल जाती है मार्केट में, आपके स्टेट में, आपके देश में, आपके शहर में, वो सारी की सारी प्रोडक्ट जो है ईश्वर की बनाई हुई वो सारी लेनी है। पैकेट फूड की प्रोडक्ट की बात नहीं करती हूँ, ये गॉड मेड प्रोडक्ट है, ये भगवान ने बनाया है, तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसको हम कट करते हैं और इसको हम जूसर में डालते हैं। आज सुबह का 8 घंटे का मेरा फास्टिंग पूरा हुआ है और आज सबसे पहले मैं ड्रैगन जूस पीने वाली हूँ, तो इसके कट हमने कर दिए हैं। अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें। ये ड्रैगन फ्रूट जो है वो मैं आपको जैसा है वैसा का वैसा खा के भी दिखाती हूँ। इतना टेस्टी है, इतना यम्मी है, एक बार तो चखना ही पड़ेगा आपको, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर बार बार पीना या फिर बार बार खाना। प्रोमिनेंट एक टेस्ट होता है। वैसे तो हम कुछ भी रेसिपीज बनाते हैं तो उसमें ग्रीन फूड कलर डालना पड़ता है या रेड फूड कलर डालना पड़ता है या ऑरेंज फूड कलर डालना पड़ता है। देखो कुदरत ने इसके अंदर कैसा कलर डाल दिया है कि मेरे हाथ भी जो है वो अभी के अभी रेड और पिंक दिख रहे हैं। जिसको भी हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हो वो इसको ले सकते हैं, जिसको HIV का प्रॉब्लम हो वो ले सकते हैं, जिसको मेनोपॉज का प्रॉब्लम हो वो ले सकते हैं। जो लेडीज को ज्यादा पीरियड के अंदर ब्लीडिंग होता है उन लोगों को ये ब्लीडिंग के 5 दिन के दौरान ये जो है वो ड्रैगन रेड फूड का सेवन करना ही चाहिए। तो इससे जो है वो हमारा ब्लड शुद्ध होता है और हमारे ब्लड को बढ़ाता है। तो ये ड्रैगन फ्रूट मिलता है तो आपको खाना ही पड़ेगा। इसके अंदर टेस्ट के लिए मैं एक पूरा लेमन जो है वो डाल रही हूँ। इसके अंदर डाल देने का फायदा ये है कि जो मिक्स होगा तो सारा का सारा टेस्ट एक साथ मिक्स हो जाएगा। ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ टेस्ट के मुताबिक, आपको डालना हो तो डालो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, सिंधम नमक डालोगे तो भी चलेगा, और हमारा NDS का स्पेशल चाट मसाला है वो डालोगे तो बहुत ही मजा आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे अभी सिंधम नमक डाल रही हूँ, कुछ पत्तियां डाल रही हूँ क्योंकि ग्रीन के बिना तो हमारा कुछ काम चलेगा ही नहीं। तो ये जो है वो मिक्स पत्तियां है वो मैं डाल रही हूँ। तो इसमें हमको जितना पतला करना हो उतना ज्यादा पानी डालो, जितना गाढ़ा करना हो तो आप कम पानी डालो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा पीना है। तो ये अगर आप बिल्कुल पानी नहीं डालोगे तो इसकी स्मूदी बन जाएगी, तो ये स्मूदी भी जो है वो भी अगर खाओगे, ये लंच में स्मूदी खाओगे तो पेट भर जाएगा। आपको जितने पसंद हो उतने खा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है कि एक खाना है, तीन खाना है, दो खाना है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। पहले कम पानी डाल के हम मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर हम ज्यादा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे।
तो हमारा जो है वो पूरा का पूरा जूस बन के रेडी हो गया है। देखिए आपकी ये पिंक कलर, रेड कलर कितना टेस्टी है, कितना यम्मी है। ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, मुझे इसको पीना है, तो ये आपके सामने मैं इसमें डाल रही हूँ। तो हमारा जूस बन के रेडी हो गया है, एक ग्लास आपका, एक ग्लास मेरा। आइए यहाँ पे और हम साथ बैठ के पीते हैं। इसको डेकोरेशन करने के लिए मैं एक लीव्स डाल रही हूँ। जैसे हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो सबसे पहले तुलसी डालते हैं, तो मैंने इसमें तुलसी और ये जो फुदीना का पान है वो आप डाल सकते हो। आपके पास धनिया का पान है तो वो आप डाल सकते हो। हमारा जूस बन के रेडी हो गया है, मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको कि कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी है, जरूर से बनाइए आप भी आपके घर में। और ऐसा अगर हेल्दी हेल्दी जूस पियोगे तो आपके घर में चाय का, दूध का, दही का, बटर मिल्क का या कॉफी का, ये सब खर्चे बंद हो जाएंगे। ये जो खर्चे बंद हो जाएंगे उसके साथ साथ में घर में रोग आना बंद हो जाएंगे। तो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर दीजिए और ऐसा हेल्दी हेल्दी जूस पीना आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक हमें दीजिए, और भी आपको क्या क्या रेसिपीज चाहिए वो भी आप बताइए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी हमें बताइए, तो उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे और शेयर करेंगे आपके साथ। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो, मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपको अगर मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, वहां पे यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। और आपके कोई रोग दूर हो गए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो हम आपको जूम मीटिंग पे आपका अनुभव जो है वो रिकॉर्डिंग करेंगे और पूरे विश्व को बताएंगे कि न्यू डाइट सिस्टम से लाखों करोड़ों लोगों को बिना दवाई के ठीक हो गए हैं। न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, फ्रूट खाते हो तो भी, जूस पीते हो तो भी, पकाया हुआ खाते हो तो भी, चाय पीते हो तो भी, आपको एनिमा करना कंपलसरी है। तो ये एनिमा आपको अगर चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर कीजिए, क्योंकि ये एनिमा पॉट अगर आपके घर में होगा तो कभी 108 नाम की एम्बुलेंस नहीं आएगी, कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा और कभी आप बीमार नहीं होंगे। तो आपकी बीमार ना होने की जिम्मेदारी हमारी है, तो इसके लिए आपको एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। एनिमा कभी भी कर सकते हो, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, आपको टाइम मिले तभी एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।